मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, यह खबर आपके लिए जानना जरूरी है। आपके छिंदवाड़ा में दबंगों ने एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। पीड़ित परिवार पुलिस के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। आप अपने छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा कर अपनी पीठ खुद थपथपाते नजर आते हैं। ये उस मॉडल की कहानी है जो बताती है कि छिंदवाड़ा में भी सब कुछ ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के इलाके छिंदवाड़ा में दबंगों का कहर एक परिवार पर टूटा है। दबंगों ने इस परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया है। कमलनाथ के गृह विकास खंड में मोखेड़ मुख्यालय में रहने वाले एक परिवार को समाज के ठेकेदारों द्वारा समाज से हुक्का पानी बंद करने को लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन दबंगों के आगे सिस्टम बौना नजर आया। तब पीड़ित परिवार ने जन सुनवाई में अपनी पीड़ा को प्रशासन के सामने रखा। जनसुनवाई में पीड़ित परिवार की बेटियों ने न्याय की गुहार पुलिस अधीक्षक से लगाई है। हम लोग को जांच से पानी बंद कर दिया गया है और हम लोग रास्ते से चल रहे हैं तो हम लोग को वहां पर समूह बनाकर मारा जा रहा है, आना जाना बंद कर दे रहे हैं। हम लोग, हमारा आम रास्ता है, हम लोग तो जा सकते हैं ना। समाज से किन लोगों ने बंद किया? विजेंद्र कुसमरिया, संजू चंदेल, अशोक चंदेल और संतराम संतोष कुसमरिया, इन लोगों ने। क्यों, कारण? कारण तो कहते हैं कि इन लोग को जांच से पानी बंद है, इन लोग के घर कारण नहीं बता रहे हैं। उन लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग किस कारण पानी बंद है हमारा? हमारे साथ समाज वालों ने हमको समाज से बंद कर दिया है। किन लोगों ने किया? अशोक चंदेल, मंजू, संजू चंदेल और संतराम बबलू। चलते हुए हम जब रोड से वहाँ से गुजरते हैं तो वो लोग हमको ज़बरदस्ती मारने की धमकी देते हैं, मारते हैं, वहाँ जाने के लिए मना करते हैं, किसी कार्यक्रम में नहीं आने देते। अगर कोई हमारे शादी का रिश्ता लेकर आता है तो उन लोग बहका देते हैं कि नहीं, हम पानी से बंद, उनका पानी बंद है, जात से बंद हैं वो लोग, तो आप लोग वहाँ ना जाएं। जात समाजी की नीचे जात से बंद किया गया है। अशोक चंदेल, बबलू कुसमरिया, संतराम की तो थाने में, मगर हमारी एफ आई आर नहीं ली है। कलेक्ट्रेट में भी लगाए थे, एसपी जी पास भी लगवाए थे, मगर कोई सुनाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने बताया कि मोखेड़ में निवास कर रहे एक समाज के दबंगों ने रिश्तेदारी, गांव एवं समाज में यह फरमान जारी कर दिया है कि उनके परिवार के साथ कोई किसी प्रकार का संबंध ना रखे। इस मामले को लेकर इस परिवार ने दो बार पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। पीड़ित परिवार ने एक बार फिर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंप कर कहा कि इस बार उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह कलेक्टर कार्यालय के सामने परिवार सहित भूख हड़ताल करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।